व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका को डराने के लिए एक नया और बहुत ही खतरनाक प्लान बनाया है। 9 मई को रूस पूरी दुनिया को अपने फैसले से चौंका सकता है। खबर है कि 9 मई के बाद एक ऐसा अटैक होगा जिसके बाद यूक्रेन में तबाह करने के लिए कुछ बाकी नहीं रहेगा। За победу! Ура! रेड स्क्वायर पर मिलिट्री बूट्स की धमक गूंजने लगी। सैनिकों का दस्ता नंबर एक, सैनिकों का पहला दस्ता गुजरा। दस्ता नंबर दो, रूस की फौज का दूसरा दस्ता भी आया। दस्ता नंबर तीन, इसके बाद बारी आई तीसरे दस्ते की। इस बार की परेड में पुतिन कुछ बड़ा करने वाले हैं, ये बात साफ हो चुकी है। पुतिन की तैयारी बहुत खतरनाक बताई जा रही है। ये विक्ट्री डे परेड से पहले का जलवा है। एक तरफ यूक्रेन का युद्ध तीसरे साल में दाखिल हो चुका है और दूसरी तरफ मॉस्को में होने वाली परेड से यूक्रेन के खिलाफ बहुत ही भयानक सिग्नल नजर आ रहे हैं। पूरी दुनिया 9 मई का इंतजार कर रही है, जब पुतिन पर पूरी दुनिया की नजर होगी। मई की तारीख बढ़ते बढ़ते 9 मई को बड़ा खतरा नजर आ रहा है। पूरी दुनिया की नजर मॉस्को के रेड स्क्वायर पर है। 9 मई को सुबह 9 बजे दुनिया को बचाने या दुनिया को तबाह करने वाला फैसला होगा, ऐसा पुतिन के दुश्मन मानते हैं। ये परेड हिटलर की नाजी फौज को हराने की 79वीं सालगिरह का जश्न है। मॉस्को में क्या चल रहा है, मॉस्को में क्या फैसले लिए जा रहे हैं, मॉस्को के इस तेज रफ्तार वाले एक्शन से अमेरिका और नेटो बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं। मॉस्को में पुतिन ऐसा क्या करने जा रहे हैं जिसमें 9 मई से पहले उनके दुश्मनों को बहुत बड़ा खतरा नजर आने लगा है। आखिर 9 मई को क्या होने वाला है, पुतिन क्या ऐलान करने वाले हैं, क्या इसका सबसे बड़ा नुकसान ज़ेलेंस्की को होगा, क्या पुतिन यूक्रेन के टुकड़े करने का ऐलान कर देंगे, क्या पुतिन यूक्रेन युद्ध जीतने का ऐलान कर देंगे, या फिर कुछ ऐसा होगा कि बाइडेन को बहुत ज्यादा पछताना पड़ेगा। इस बार की परेड में हवाई एक्शन भी देखने लायक होगा। पुतिन के फाइटर जेट पूरी ताकत के साथ मॉस्को के आसमान से गुजरेंगे। हालांकि युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक रूस के अंदर माहौल क्या है, इसे भी समझिए।